अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अमनान हुसैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर द पर्सनैलिटी। ओ आई थिंक इट्स पर्सनैलिटी इज़ राइट नाउ। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू डेफ सिंग्स करण एंड अर्जुन, मिस्टर आतिफ एंड मुइज। हाउ आर यू गाइस? वी आर डूइंग ग्रेट। ओके आतिफ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ आतिफ शाहदेव, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हियर। आई हैव बीन इन डेफ सिंग अराउंड 2 इयर्स आई गेस। ओके मुइज। Yeah, my name is Moiz Khan and I'm a software engineer DevSync for almost 2 years. And besides that, I'm doing some management work, being a part of OBM member. Okay, so पहले तो मुझे ये बताएं यार, आप दोनों की ये दोस्ती कैसे हुई करण अर्जुन वाली? यार दोस्ती as such हमारी यूनिवर्सिटी में, हम हैं तो बैचमेट ही, लेकिन यूनिवर्सिटी में हमें एक दूसरे का बस सलाम दुआई थी। इवन के भाई साहब के साथ मेरी लड़ाई भी हुई है एक दफा स्पोर्ट्स वीक में। मैंने बाबा पे दिक्कत शिके मारे हैं भाई को। आपने कुछ कहा? नहीं, मैं गेम पे फोकस कर रहा था। और आप कैसे दोस्त थे जरा? यूनिवर्सिटी में सलाम दुआई होती थी, उसके बाद जब हम ओबीएम ज्वाइन की मैंने, तो उसके बाद इंट्रोडक्शन। आपने डेफसिंग इकट्ठे ज्वाइन की थी? नहीं, ये कुछ 6 months के बाद आए थे। पहले किस? नहीं आपका नहीं हुआ था पहले? नहीं, मैं फर्स्ट टेक में हो गया। ओके, सो हाउ एंड व्हाई डेफसिंग गाइस? वाई की अगर बात की जाए तो तब ऐसा कुछ भी नहीं पता था कंपनीज वगैरह के बारे में। बस कॉल आई थी इंटरव्यू की, तो आई जस्ट केम एंड आई गॉट हायर्ड। ओके, मैं डेफसिंग का पेज फॉलो कर रहा था फेसबुक का, और इसके अलावा जो है कुछ सीनियर्स भी थे यहाँ पे, उन्होंने गाइड किया कि यहाँ अप्लाई करो, और फजल करीम वाज वन ऑफ देम। उन्होंने मुझे रेफर किया और मेरे यहाँ पे हो गया था। सो लेट्स टॉक अबाउट योर हॉबीज आतिफ। I just love to play cricket and table tennis. I can play table tennis. Cricket की आजकल DevSync में काफी हो रही है, तो बता भी दें क्या क्या हो रहा है? अभी हमारी recently Dollarstack के साथ हमारी हुई थी सीरीज, और उसके बाद इन्वोजोन के साथ जो कि हम हार गए थे। और अभी भी होने जा रही है, कोई बता? अभी जो अपकमिंग है वो हमारी फोलियो 3 के साथ है, और इसके साथ साथ हमारी आई गेस टेक्सल के साथ है मेरे ख्याल से, उनके साथ बात चल रही है। ओके, अबाउट योर हॉबीज। I can play all kind of sports, I guess, and just maine na dekhe mara kabaddi to ek kabaddi khel ke dikha all kind of sports all kind of physical sports, so and besides that I love to travel and you know explore different food restaurants as well. ha driving pe jata hai aur fir baad mein bhai sahab fir lash udani padti hai। अच्छा, व्हाट इज़ इट लाइक टू वर्क फॉर डेफसिंक? क्या यहाँ पे अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा? मेरा अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सिर्फ मैं 9 to 5 की जॉब पे फोकस नहीं किया मैंने आज तक, मैंने अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ लर्निंग भी सीख की है यहाँ पे, और इसके अलावा काफ़ी इवेंट जो हैं वो यहाँ पे करवाए भी हैं, मैनेज भी किए हैं, और कई इवेंट्स की मैं एज अ लीड भी रहा हूँ। और उसके लिए मैं तलहा मुगल का शुक्रगुजार हूँ कि भाई साहब ने ACM में मुझे नहीं रखा था, लेकिन 4 साल बाद यहाँ पे आके भाई ने मुझे OBM में रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी वाला ग्रज है अभी भी? ग्रज नहीं है, बस याद है मुझे कि तलहा मुगल के साथ मेरा इंटरव्यू था ACM में, तो उन्होंने निकाल दिया, कहते यार नहीं यार तुम चौकस नहीं हो, यू आर नॉट एन एक्टिव पर्सन। मुझे उन्होंने रख लिया था एज अ वॉलंटियर, लेकिन तो इट्स बीन ग्रेट 2 ईयर्स ऑलमोस्ट फॉर मी एट डेफसिंक, और काफ़ी मज़ा आता है काम करने का बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी और जो आपको वर्क इन्वायरमेंट मिलता है। यू कैन आस्क एनी सीनियर, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं, और इस वजह से काफ़ी हेल्पिंग रहा है और लर्निंग भी काफ़ी। ओके, अब गेम खेलते हैं हु नो हु बेटर, देखते हैं आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं, ठीक है? और ऑनेस्ट आंसर करना है। ओके ओके, टेल मी अबाउट ईच अदर्स क्रश। पहले मैं बता दूँ? सबको पता है, पब्लिक को पता ही है, तो मायरा खान। और मोइस का सना जवेद है एक, इसका एक, और इसके अलावा एक और थी, वो एमन समथिंग था, एमन खान। शर्मा के बता रहा है वो। ओके, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव थिंग अबाउट ईच अदर। अच्छा, पहले मैं बताता हूँ, इसमें नेगेटिव चीज ये है कि ये जब किसी अपने डिसीजन पे अट जाता ना, तो बस फिर ये किसी की नहीं सुनता, फिर ये कहता है नहीं हो, हाँ मैंने मेरी मानो। और पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसको जब मैं वीकेंड पे भी लाता ना, चला शॉपिंग करने चले तो आ जाता है यार, ये दोस्ती होती है। मैं पहले पॉजिटिव थिंग बताऊँ। पॉजिटिव ये है कि मैं इसको देख के हैरान होता था कि ये सारी चीज़ें कैसे कर लेता है, तो इसके साथ रह के पता लगा कि इसकी दिमाग हर तरफ होता है, हर चीज़ कर लेता है, मल्टीटास्कर है ये,
सबको पता ही है उसको ऑक्टोपस कहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज कर लेता है एक साथ जो मैं समझता हूँ कि मैं मैनेज नहीं। आई थिंक क्रिकेट के फाइनल में इसका नाम था आतिफ ऑक्टोपस, छक्के मारा था जो भी है। और नेगेटिव थिंग जो कि अब थोड़ी कम हो गई, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा कर लेता है, गुस्सा करता है तो फिर वो ज़्यादा हाँ थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर ले। फेवरेट पर्सनैलिटी या डेफ सिंह? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी फैसल वलीद है। उसकी एक वजह ये नहीं है कि मैं मेरे पीएम है, उसकी जो वजह ये है कि अगर मैं कहीं पे कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो मुझे बता देते हैं, मुझे इवन के वो बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब जो वो इन्फॉर्मेशन भी बता देते हैं मुझे समझाने के लिए जो शायद नहीं बतानी चाहिए। एग्जैक्टली तो वो काफ़ी ना मुझे अच्छे से समझा देते हैं अगर मैं कहीं पे कुछ गलत कर रहा हूँ, वो चाहे मेरे काम के लिहाज से हो, चाहे मेरे किसी भी तरह से अगर मैं किसी को कुछ बुरा बोल रहा हूँ जो कि मुझे उस तरह से एटीट्यूड के हवाले से, तो तब भी वो मुझे अच्छा अच्छी तरह से गाइड कर देते हैं। आई वुड से जवाद फिरदौस, क्योंकि वो ही इज़ इनटू सो मैनी थिंग्स, टेक्निकल साइड और नहीं वो मेरे पीएम रहमत भाई और वो ऑलरेडी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं डेव सिंह की, रहमत भाई तो जवाद फिरदौस। So one thing that you guys want to change? मैं यही चाहूँगा कि जो इसकी नेगेटिव चीज़ है बस वही खत्म हो जाए, ऑब्वियसली गुस्सा कम कर दे और कर भी रहे कम। हाँ तो बीवी की तरह बिहेव कर। आई एम वर्किंग ऑन इट वेरी मच। ओके, फेवरेट फूड एंड फेवरेट कलर ऑफ ईच अदर, पहले आप बताएं। फेवरेट कलर तो आई गेस हम दोनों के ब्लैक है। और फूड इसका कौन सा फेवरेट? इसका क्या था, मैंने बताया था, मुझे देख लो एक है, लेट मी गेस, मुझे भूल गया, मुझे नहीं याद। हाँ, कलंदरी दाल चावल। आप बताएं इसका फेवरेट फूड एंड कलर। ब्लैक तो है फेवरेट कलर, और खाने में आई गेस सज्जी। हाँ, सज्जी पसंद है काफ़ी। yes. सज्जी कचनार वगैरह उसने सोचा नहीं, आपने सोचा बहुत। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन, पहले दोनों अपना बताएंगे कि आप आने वाले फ्रेश ग्रेजुएट्स को पीयू से हों या किसी भी यूनिवर्सिटी से हों क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दूंगा कि सिर्फ किसी कंपनी के हवाले से नहीं जाते कि मैंने इस कंपनी में ही जाना है, ये सोच लिया कि मैंने डेफसिंग सोच लिया अब मैंने डेफसिंग में जाना, अगर डेफसिंग में नहीं हुआ तो मैं 6 महीने इंतज़ार करूंगा या मैं फील करूंगा कि यार ये मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि जो आपके मेन कोर्सेज हैं जैसे ओप डीबी डीएसए वगैरह, बस उनको काफ़ी अच्छे से करें और उनको मतलब इस तरह से ना लेके चलें कि डिग्री होगी बाद में जॉब हो जाएगी पता नहीं होगी नहीं होगी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से करें। और दूसरा ये है कि अच्छी सी अच्छी जगह पर अप्लाई करें, ठीक है? ओके मोइस, आई वुड से के कीप फोकसिंग ऑन योर, कीप प्रैक्टिसिंग योर बेसिक स्किल्स और डोंट फेयर रिजेक्शन क्योंकि अपना टाइम आएगा। ओके, थैंक यू सो मच आतिफ एंड मोइज, और बहुत मज़ा आया यार आप लोगों के साथ और इतना फन किया हमने, आई एम श्योर ऑडियंस को भी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।